हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटरल. ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी इक्वल टू क्या कह रहा है, बी सी है. ए डी इक्वल टू बी सी, क्लियर. ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है. एंड डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, और एंगल डी ए बी किसके इक्वल में है, सी बी ए के इक्वल है. तो हमें सिद्ध करना है, इसमें हमें तीन पार्ट सिद्ध करना है. पहले पार्ट में सिद्ध करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्कुरेंट ट्राइंगल बी ए सी, एंड सेकेंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है बी डी इक्वल टू ए सी, एंड थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना है ए एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. इसको स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी. कौन सा हम ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी एंड डी. इस ट्राइंगल को लिया और बी ए सी, और दूसरी बार में कौन सा ट्राइंगल लिया, बी ए सी. बी ए सी ट्राइंगल को हमने ले लिया. इसमें हमसे क्या कह रहा था, ए डी इक्वल टू बी सी पहले से हमको दिया गया है, और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए भी दिया गया है. तो ए बी इक्वल टू बी ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. दोनों ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. इक्वल हो जाएगी तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी किससे, एस ए एस. एस ए एस मीन दो साइड इक्वल, और एक एंगल इक्वल होता है किसी ट्राइंगल का तो वह क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांग सम हो जाते हैं. तो बी डी इक्वल टू ए सी भी हो जाएंगे, किससे, बाई सी पी सी टी से, क्लियर. एंड थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, ए भी किससे हो जाएंगे, बाई सी पी सी टी. यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था. ओके स्टूडेंट्स.